हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। और इसमें पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेरी एसएसएन नंबर है, उससे हमको पता करना है कि लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, ये हमको पता करना है। अब लेंथ किसका पता करना है, जैसे कि हमने बात किया कि हमारे पास एक एसएसएन नंबर है, तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो एसएसएन नंबर होता है वो किसी पर्टिकुलर सोर्स ऑर्गेनिज्म का होता है। अब वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वो कोई भी सोर्स ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है जिसका वो पर्टिकुलर एसएसएन नंबर है। तो हमारे पास एसएसएन नंबर है, उससे हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो जो जीनोम का लेंथ है उसको हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि जीनोम की लेंथ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एसएसएन नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हम स्टेप वाइज मैनर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, वहां पे हम ये गूगल का होम पेज ओपन कर लेंगे। इस गूगल के होम पेज में हम ये सर्च बॉक्स में आएंगे। सर्च बॉक्स में हम सबसे पहले टाइप करेंगे एनसीबीआई टाइप करेंगे, देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे, यानी कि इसको हम एनसीबीआई सर्च करने वाले हैं। यहाँ पे सर्च करने पे कुछ इस तरीके से विंडो हमारा ओपन हो जाएगा, और विंडो में सबसे ऊपर जो है वो हमको विजिबल होगा नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा एनसीबीआई का होम पेज ये ओपन हो गया, यानी कुछ इस तरीके से हमको विंडो दिखाई देगी। ये एनसीबीआई का होम पेज है, यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज की लिस्ट दी गई है, यहाँ पे हमारे कुछ पॉपुलर रिसोर्सेज दिए गए हैं जैसे कि पबमेड, बुकसेल, पबमेड सेंटर, डर्मब्लास्ट, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम, ये सब सारी दी गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको लेंथ ऑफ द सीक्वेंस पता करना है कि उस पर्टिकुलर सोर्स ऑर्गेनिज्म का लेंथ कितना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑल डाटाबेसेस वाले में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, हम इस सर्च बॉक्स में जाएंगे जहाँ पे हम अपना जो हमारे पास क्वेरी एसएसएन नंबर है, यानी कि पहले से मौजूद हमको पता है कि एसएसएन नंबर ये हमारा ये है, उससे हमको उस सोर्स ऑर्गेनिज्म का लेंथ पता करना है सीक्वेंस का कि कितने लेंथ का वो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एसएसएन नंबर। अब एसएसएन नंबर हमारे पास एक कोरी एसएसएन नंबर है जो कि है M1882.1, ये हमारा एक एसएसएन नंबर है। अब हम क्या करेंगे, अब एसएसएन नंबर की हमने बात किया तो एसएसएन नंबर क्या होते हैं, एसएसएन नंबर किसी भी पर्टिकुलर सोर्स ऑर्गेनिज्म का ये एसएसएन नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि यूनिक होता है। अब हम क्या करेंगे, ये सर्च वाला जो आपको बार दिखाई दे रहा होगा इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में क्या होगा, कुछ इस तरीके से विंडो हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरीके से जब विंडो ओपन होगा तो सबसे पहले हम देख पा रहे होंगे एबेना सटाइबा टाइप 3 फाइटोक्रोम जीन, यानी कि 53 कंप्लीट सीडीएस। तो यहाँ पे हमारा सोर्स ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा है एबेना सटाइबा। देन उसके बाद हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पता करना है कि इस एसएसएन नंबर से हमको लेंथ पता करना है सीक्वेंस का। तो हमको पता हो गया कि एबेना सटाइबा जो है ये सोर्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक प्लांट है। अब इस प्लांट का जो सीक्वेंस है वो कितने लेंथ का हो सकता है, तो ये हमारा पर्टिकुलर हमने जो क्वेरी सीक्वेंस डाला था, यानी कि एसएसएन नंबर डाला था M8822.1 ये डाला था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो लोकस की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट जो है इसका लेंथ जो है दिया हुआ है, यानी कि इस प्लांट की अगर हम बात करें एबेना सटाइबा की तो ये 6746 यानी कि 6746 बेस पेयर का ये एबेना सटाइबा ये प्लांट होता है, यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ है इसकी लेंथ जो होगी वो होगी 6746 बेस पेयर का ये है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एसएसएन नंबर से हम किसी भी सोर्स ऑर्गेनिज्म का लेंथ पता कैसे कर सकते हैं, जो उसका सीक्वेंस का लेंथ है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।